Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. ऑल बालाजी का शो कहने को हमसफर है का सीजन 3 आने वाला है और इस वजह से हमने बात की एक्ट्रेस साक्षी तनवर से। आइए आपको इस बातचीत के कुछ खास अंश दिखाएं। हाय साक्षी, वेलकम टू IWM बस। इस शो का सीजन 3 आने वाला है, क्या यूनिक चीज है इसमें प्रीवियस सीजन से? सबसे पहले तो थैंक यू, आप लोगों ने टाइम निकाला हमारे शो के लिए। सीजन 3 आ रहा है कर ले तू भी मोहब्बत का। ऑल ऑफ अस आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि जल्द से जल्द दर्शकों तक पहुंचे जिन्होंने सीजन 1 और सीजन 2 देख के बहुत उत्सुकता दिखाई थी कि और एक सीजन होना चाहिए और इस कहानी को आगे बढ़ाना चाहिए। तो यूनिक इसमें यह है कि इस बार इसमें प्यार का फ्लेवर कम, नफ़रत का फ्लेवर ज़्यादा है। राम और मेरा जो कैरेक्टर है टिप्सी और करण का, वो एक दूसरे से बहुत नाराज़ हैं। एक दूसरे को अपनी ज़िंदगी में जो भी ख़राब बातें हुई उसके लिए ज़िम्मेदार ठहराते हैं और एक दूसरे से नाराज़ होके दूर हो गए हैं एक दूसरे से। तो सीज़न 3 जब शुरू होता है तो यही उसका प्रीमाइस है कि जो दो लोग एक दूसरे से इतना प्यार करते थे, जो प्यार की मिसाल माने जाते थे, वो अब एक दूसरे से इतनी नफ़रत करते हैं कि बस किसी तरह उनकी ज़िंदगी बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। बट अच्छी बात यह है कि नफ़रत वहीं होती है जहाँ प्यार होता है, और जितना गहरा प्यार उतनी गहरी नफ़रत, या जितनी गहरी नफ़रत समझ लेना चाहिए कि प्यार भी उतना गहरा था या है। तो प्यार था या प्यार है ये तो शो देख के पता चलेगा, लेकिन हाँ उस नफ़रत के बीच में प्यार की बहुत सारी झलकियाँ हैं। तो ये मत सोचिए कि सिर्फ नफ़रत ही है, प्यार भी बहुत है। आप लोग देखिए, और बड़े सारे नए किरदार हैं। हितेन तेजवानी इज़ देयर, करिश्मा तन्ना इज़ देयर, एक छोटी सी बच्ची है जो मेरी बेटी का रोल प्ले कर रही है, शी इज़ देयर। तो इट्स मिक्स बैग, हैज अ लॉट ऑफ सरप्राइजेज, लॉट ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स, लॉट ऑफ हैप्पी एंड सैड मोमेंट्स, लेकिन आपको मज़ा बहुत आएगा। आपकी बेटी इसमें अहम रोल निभाने वाली है, क्या वो आप दोनों को मिलाएगी? वो तो आप जब शो देखेंगे तो आपको पता चलेगा, लेकिन बेटी है बहुत प्यारी, पिया का कैरेक्टर निभा रही है और वो इतनी क्यूट है, वो इतनी प्यारी है कि, और बहुत अच्छे से अपनी लाइंस वाइंस सब करती है उस उम्र पे। इतना सहजता से कैमरे के सामने काम करना, इट्स रियली कमेंडेबल, शी इज़ एक्सलेंट। और उसके साथ काम करने में बहुत मज़ा आता है, और फिल्मी है वो बहुत, उसका जो कैरेक्टर है वो बहुत फिल्मी है। तो इस शो में आप एक सिंगल मदर का रोल निभा रहे हो, तो कैसे ध्यान रखा आपने अपनी इस बच्ची का इस शो में? नॉट रियली सिंगल हैंडेडली रेजिंग हर, बिकॉज जो हितेन का कैरेक्टर है का, वो मेरी बेटी उनको पापा बोलती है, वो मेरे दोस्त हैं, वो मेरे लॉयर हैं, एंड ही इज लाइक अ कॉन्स्टेंट सपोर्ट इन माई लाइफ। तो आई कांट टेक द क्रेडिट कि मैं सिंगल हैंडेडली कर रही हूँ, बट जो भी रिलेशनशिप है वो जब व्हेन पीपल विल सी इट दे विल रियली लाइक दिस न्यू डायमेंशन ऑफ रिलेशन। सीजन 3 में ऐसा कौन सा सीन है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है? सीजन 3 में तो बहुत सारे सीन्स ऐसे हैं, स्पेशली देर इज़ अ सीन व्हेन आई फर्स्ट टाइम आफ्टर कमिंग बैक टू बॉम्बे, फर्स्ट टाइम आई मीट करण खन्ना, दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सीन। आप वेब सीरीज़ में कितने ज़्यादा कंफर्टेबल हो एज कम्पेयर टू टेलीविज़न? मैं तो बहुत इन्जॉय कर रही हूँ, क्योंकि टेलीविज़न में टाइम बहुत देना पड़ता है और सालों साल आप एक ही कैरेक्टर करते हैं। वो मैंने बहुत किया है, 14 साल तो मैंने डेली सोप्स ही किए हैं, 2000 to 2014। तो दिस इज़ अ न्यू फेज, दिस इज़ अ न्यू मीडियम जिसमें आप कम समय में ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। यू नो, यू कैन ट्राई डिफरेंट कैरेक्टर्स, डिफरेंट वेज टू परफॉर्म, एंड इतना सब कुछ है स्टोरी टेलिंग में कि
सभी क्रिएटिव लोगों के लिए, चाहे वो डायरेक्टर्स हों या एक्टर्स हों या राइटर्स हों, एक्सपेरिमेंट करने के लिए बहुत कुछ है, तो मुझे तो बहुत मजा। रियल लाइफ में आप अपने मदरहुड कैसे एक्सपीरियंस कर रहे हो, कुछ बताएंगे प्लीज़? बहुत खूबसूरत फेज़ है ये, मेरी ज़िंदगी का सबसे प्यारा फेज़ है, और आई थिंक मैं सारे वो इमोशंस जी रही हूँ जो हर पेरेंट, हर मदर जीती है, एंड आई एम ब्लेस्ड कि ज़िंदगी का ये अनुभव मुझे मिल रहा है। थैंक यू। हाय, मैं हूँ साक्षी तंवर और आप देख रहे हैं IWM बज़।